दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर आपको HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है बिना इनकम प्रूफ के, तो HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड आप बिना इनकम प्रूफ के किस तरह से आप अप्लाई वगैरह कर सकते हो और किस तरह से आपको मिलेगा। इसके लिए आपको बैंक के पास कोई भी इनकम प्रूफ देना नहीं है, तो आप किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो सारा प्रोसेस जो है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखें। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये भी बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो हम आपके लिए रोज लाते रहते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दें कि अगर आप किसी भी बैंक में क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए जाते हो, तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको इनकम प्रूफ पूछा जाता है। अगर आप सैलरी पर्सन हो तो यहाँ पे आपकी सैलरी स्लिप लगेगी 3 मंथ की, और अगर आप बिजनेस पर्सन हो तो यहाँ पे आपका ITR लगेगा, तभी बैंक जो है आपका क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन आगे भेज देती है। अगर आपके पास इनकम प्रूफ नहीं है, जैसे कि अगर आप कोई भी कंपनी में जॉब नहीं करते हो या अगर आपका कोई भी बिजनेस नहीं है, तो यहाँ पे आपका बैंक जो है क्रेडिट कार्ड अप्लाई नहीं करता है। तो आप बिना इनकम प्रूफ के क्रेडिट कार्ड किस तरह से पा सकते हो? तो यहाँ पे बिना इनकम प्रूफ के क्रेडिट कार्ड पाने के 2 तरीके हैं, जैसे कि HDFC बैंक के, जैसे कि यहाँ पे अगर आप एक HDFC बैंक का अकाउंट ओपन करते हो, तो वहाँ पे जब आप एक मेंटेनेंस बैलेंस वगैरह कर रखते हो या अपने अकाउंट में कुछ ट्रांजेक्शन वगैरह कर देते हो, तो यहाँ पे आपको बैंक जो है प्री अप्रूवल ऑफर वगैरह दे देता है। जैसे कि प्री अप्रूवल ऑफर पाने के लिए आपके अकाउंट में आपको किस तरह से ट्रांजेक्शन वगैरह करने हैं, इसके ऊपर भी हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। उस वीडियो का जो लिंक है यहाँ पे आपको आई बटन में मिल जाएगा, तो वो वीडियो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे दूसरा जो तरीका है बिना इनकम प्रूफ क्रेडिट कार्ड पाने का, तो दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे आपको एक FD करनी पड़ेगी। FD के बेस पे आपको HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि कई कई जो बैंक है ऑनलाइन FD के बेस पे ही भी क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर देते हैं, जैसे कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, वो ऑनलाइन ही आपको FD के बेस पे क्रेडिट कार्ड दे देते हैं। जैसे कि उसका जो प्रोसेस है ऑनलाइन, जैसे कि ICICI बैंक का, तो यहाँ पे आपको वो वीडियो मिल जाएगा। अगर आपको कोटक महिंद्रा बैंक का FD के बेस पे क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है ऑनलाइन तरीके से, तो उसका भी हमने लाइव वीडियो बना दिया है, तो उस वीडियो का जो लिंक है यहाँ पे आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल अभी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर आपको HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है FD के बेस पे, यानी कि बिना इनकम प्रूफ बैंक को प्रोवाइड किए, तो आप किस तरह से वो अप्लाई वगैरह कर सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम इसके क्राइटेरिया बताएंगे कि आपको इसमें क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि FD के बेस पे आप HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड किस तरह से आप अप्लाई वगैरह कर सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दें कि अगर आप HDFC बैंक में FD कर देते हो, तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि यहाँ पे आपको ऑफलाइन FD करना है, नहीं तो आप ऑनलाइन भी FD कर सकते हो। ऑनलाइन FD करने के बाद आपको किस तरह से क्रेडिट कार्ड अप्लाई वगैरह करना है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि अगर आप HDFC बैंक का FD के बेस पे क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हो, तो यहाँ पे आपको जो बैंक लिमिट प्रोवाइड कर देता है वो 70% लिमिट प्रोवाइड कर देता है। जैसे कि आपको बता दें कि अगर आप ICICI बैंक में FD के बेस पे क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर देते हो, तो यहाँ पे 85-90% बैंक आपको लिमिट प्रोवाइड कर देता है। अगर हम एक्सिस बैंक की बात करें, तो एक्सिस बैंक जो है आपको FD के बेस पे क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर देता है, उसका जो लिमिट है लगभग 80% बैंक आपको प्रोवाइड कर देता है। अगर हम कोटक महिंद्रा बैंक की अगर बात करें, तो यहाँ पे 18% लिमिट जो है बैंक FD के बेस पे आपको प्रोवाइड कर देता है। अगर हम SBI बैंक की अगर बात करें, तो यहाँ पे SBI बैंक भी आपको 18% लिमिट प्रोवाइड कर देता है। अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा की अगर बात करें, तो बैंक ऑफ बड़ौदा भी आपको 18% लिमिट प्रोवाइड कर देता है। लेकिन अगर आप चाहते हो HDFC बैंक का FD के बेस पे क्रेडिट कार्ड आपको मिले, तो बैंक जो है आपको 17% लिमिट प्रोवाइड कर देता है। एग्जांपल के तौर पे अगर आपको बता दो कि अगर आप HDFC बैंक में अगर आप 50,000 रुपीज की FD कर देते हो, उस पर आप क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर देते हो, तो बैंक जो है आपके क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट है 35,000 यहाँ पर आपको प्रोवाइड करेगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि आपको FD किस तरह से करनी है। FD जो है आपको अगर आप ऑनलाइन करते हो, ट्रांजिशनल FD यहाँ पे करनी है, और यहाँ पे आपको पे आउट जो है मैच्योरिटी में रखना है, और एट रिन्यूअल यहाँ पे रखना है। जो भी आप FD ऑफलाइन भी कर सकते हो, नहीं तो आप ऑनलाइन भी FD यहाँ पे कर सकते हो। और दोस्तों आपको बताते हैं, अगर आपको FD के बेस पे HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई वगैरह करना है, तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन कोई भी प्रोसेस नहीं है, जैसे कि आपको आप ऑनलाइन भी FD कर सकते हो। अगर आपको HDFC बैंक का ऑनलाइन FD करना नहीं आता है, तो हमें कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइए, तो उसके ऊपर भी हम एक नया वीडियो बना देंगे कि आप HDFC बैंक का
ऑनलाइन एफडी वगैरह किस तरह से कर सकते हो। आप ऑनलाइन एफडी करने के बाद आप डायरेक्टली ऑफलाइन बैंक के ब्रांच में जाके आप डायरेक्टली आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई वगैरह कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्टली ऑफलाइन ब्रांच में जाके डायरेक्टली एफडी करके आप डायरेक्टली क्रेडिट कार्ड को अप्लाई वगैरह कर सकते हो। अगर आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए आपको ऑनलाइन एफडी करना है तो अभी आप ऑनलाइन एफडी कर सकते हो। अगर आपको ऑनलाइन एफडी करना नहीं आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, तो उसके ऊपर भी हम एक अलग वीडियो बना देंगे। तो यहाँ पे जब आप ऑनलाइन अप्लाई वगैरह करोगे एफडी के लिए, तो उसके बाद दोस्तों आपको ऑफलाइन जाना है ब्रांच में, तो वहाँ पे आपको एफडी के बेस पे क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है। एफडी के बेस पे क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेंगे, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे KYC डॉक्यूमेंट्स लेंगे। KYC डॉक्यूमेंट्स में आप आधार कार्ड पैन कार्ड दे सकते हो और यहाँ पे आपके पासपोर्ट साइज 2 फोटो यहाँ पे लगे। ओके, तो डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको 7 to 10 वर्किंग डेज के अंदर आपका कार्ड जो है आपके एड्रेस पे डिलीवर्ड वगैरह किया जाता है। और दोस्तों नेक्स्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको एफडी के बेस पे कौन कौन सा क्रेडिट कार्ड मिल सकता है, तो यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे इंटर लेवल क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाता है, जैसे कि उस इंटर लेवल क्रेडिट कार्ड में जैसे कि HDFC बैंक में जैसे कि मनी बैक क्रेडिट कार्ड आ जाता है, दूसरा जो है भरत क्रेडिट कार्ड आ जाता है, तीसरा जो क्रेडिट कार्ड है वो फ्रीडम क्रेडिट कार्ड आ जाता है, चौथा जो आ जाता है इसमें इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड आ जाता है। और दोस्तों मिले में भी क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाएगा जैसे कि आपको बता दें। तो दोस्तों आपको ये भी बता दें कि अगर आप ज़्यादा अमाउंट की एफडी करोगे जैसे कि 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख, जैसे कि जितने अमाउंट के आप ज़्यादा की एफडी करोगे उसके हिसाब से आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। जैसे कि अगर आप 5 लाख की करोगे तो यहाँ पे आपको रिगालिया भी मिल सकता है, या अगर आप 2 लाख की करोगे तो रिगालिया फर्स्ट भी आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप एफडी के बेस पे क्रेडिट कार्ड अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपका कुछ वेरिफिकेशन वगैरह हो जाएगा या नहीं होगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाँ बिल्कुल आपका अगर आप एफडी के बेस पे क्रेडिट कार्ड अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपका वेरिफिकेशन हो जाता है, ओनली आपका कॉलिंग वेरिफिकेशन हो जाता है कि आपने एफडी के बेस पे क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया है, तो आपका एप्लीकेशन जो है कुछ वेरिफिकेशन वगैरह नाम वगैरह वेरिफिकेशन या एड्रेस वेरिफिकेशन किया जाता है। एड्रेस वेरिफिकेशन यानी कि ओनली कॉल पर हो जाता है, फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होता है। तो यही कुछ प्रोसेस है दोस्तों अगर आपको HDFC बैंक में एफडी के बेस पे क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है या बिना इनकम प्रूफ के HDFC बैंक में क्रेडिट कार्ड आपको लेना है तो यहाँ पे आपको एक एफडी करनी पड़ेगी, एफडी के बेस पे आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा। एफडी जो है आप ऑनलाइन भी कर सकते हो नहीं तो ऑफलाइन भी कर सकते हो। अगर आपको एफडी के बेस पे क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है तो आपको डायरेक्टली ब्रांच विजिट करना है, ऑनलाइन HDFC बैंक का कोई भी एफडी के बेस पे क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का कोई भी प्रोसेस नहीं। इन फ्यूचर अगर ऐसा कुछ प्रोसेस आ जाता है तो डेफिनेटली हम उसका वीडियो यहाँ पे बना देंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो हम आपके लिए रोज़ लाते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।